हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एरी रॉक टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फ्रेंड्स, आज मैंने एक वीडियो बनाई है जियो के सेटअप बॉक्स के ऊपर, तो वो भी वीडियो आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड, सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने रिसेंटली अपने दो फोन लॉन्च किए थे, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो उनकी प्री बुकिंग चालू हुई थी उसके अंदर सैमसंग को एक अच्छी इंटरेस्ट दिखी है लोगों की। अराउंड 5 लाख तक उनको प्री बुकिंग के अंदर इंटरेस्ट मिला है, तो ये एक अच्छी खबर है सैमसंग के लिए। एंड फिर भी 1 लाख तक की उनकी प्राइस जाती है, तो उसके हिसाब से भी उनको इतना प्री बुकिंग में इंटरेस्ट मिलना 5 लाख तक एक अच्छी बात है। अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है अमेज़न की तरफ से। अमेज़न बहुत जल्दी इंडिया के अंदर अपना फार्मेसी मेडिकल स्टोर भी ओपन करने वाला है। बेसिकली वो सबसे पहले बेंगलोर के अंदर चालू करेगा एंड धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो चालू कर देगा। इसके अंदर सेम जो आपको फार्मेसी जो एप्लीकेशन आती है उसके थ्रू आपको मेडिकल्स प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑनलाइन मेडिकल आपको ऑर्डर करना है और आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। अगली अपडेट आ रही है रेडमी जी लैपटॉप की तरफ से। मैंने एक दो दिन पहले वीडियो में बताया था कि रेडमी अपना नया लैपटॉप लॉन्च करने वाला है चाइना के अंदर, एक गेमिंग लैपटॉप। तो उन्होंने आज अपना गेमिंग लैपटॉप रेडमी जी लैपटॉप लॉन्च कर दिया है और ये i5 10th जनरेशन के साथ आते हैं। टोटल इनमें 3 वेरिएंट आते हैं, 2 मॉडल i5 10th जनरेशन के साथ है और 1 मॉडल i7 10th जनरेशन के साथ है। जो इनकी स्टार्टिंग प्राइस है वो अराउंड 53,000 से स्टार्ट होती है, अगर इंडियन में कन्वर्ट करें। जो इनका i7 10th जनरेशन है उसके प्राइस अराउंड 70,000 तक वो आती है। आपको लैपटॉप से रिलेटेड और एक न्यूज़ दे देता हूँ। ऑनर की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि ऑनर बहुत जल्दी एक अपना लैपटॉप लॉन्च कर सकता है चाइना के अंदर, हंटर लैपटॉप ऐसा नाम उसका आ रहा है। साथ ही साथ वो चाइना के बाद इंडिया में भी वो लॉन्च हो सकता है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी बहुत जल्दी चाइना के अंदर अपना एक फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर सकता है, रियलमी X3 Pro। क्या प्रोसेसर आएगा अभी तक उसकी क्लेरिफाई नहीं। आई थिंक वो 865 प्लस के साथ भी आ सकता है या डायमंड सिटी 1000 के साथ भी वो आ सकता है। सबसे पहले वो चाइना में लॉन्च होएगा, उसके बाद वो इंडिया में आएगा। इंडिया में वही नाम से आएगा या नाम चेंज करके आएंगे अभी उसकी क्लेरिफाई नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि वो चाइना में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और आता है तो मैं आपको उसके अगली अपडेट बता दूंगा। साथ रियलमी के बाद उसके बड़े भाई ओप्पो की बात कर लेते हैं। ओप्पो इंडिया के अंदर एक अपना एसेसरी लॉन्च करने वाला है, पावर बैंक बेसिकली वो लॉन्च करने वाला है। अभी तक उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस आई नहीं है सामने, लेकिन एक पावर बैंक वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो ने पार्टनरशिप किया है HDFC एर्गो इंश्योरेंस के साथ, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है HDFC एर्गो लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर आप आगे से कोई भी फ़ोन लेते हैं वीवो का तो उसके साथ आपको एक लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी भी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इन्होंने टाई अप किया है। तो फ्रेंड्स, अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है फोर्टनाइट गेम की तरफ से। फोर्टनाइट गेम को एप्पल प्ले स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से निकाल दिया गया है। रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो ये गेम थी फोर्टनाइट, उसके अंदर जो इन ऐप परचेस करते थे उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, वो कुछ वायलेशन करता था जो इनके टर्म एंड कंडीशंस थे एप्पल के और गूगल के, तो इसके लिए दोनों को निकाल दिया गया। और साथ ही साथ ये भी न्यूज़ आ रही है कि फोर्टनाइट जो कंपनी है उन्होंने सू कर दिया है एप्पल और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।